दोस्तों वैसे तो भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के अलग अलग हिस्सों से बहुत लोगों का इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था, पर उनमें से कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अनसुने ही रह जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है वीओ चिदम्बरम पिल्लई, और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया की फर्स्ट शिपिंग कंपनी बनाकर ब्रिटिश कंपनीज को ना सिर्फ चुनौती दी बल्कि स्वदेशी, जिसका मतलब होता है मेड इन इंडिया, इस नारे को एक्चुअली इंप्लीमेंट भी किया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1972 को तमिलनाडु की तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक वेल्दी फैमिली में हुआ। इन्होंने तूतुकुड़ी, जो कि तमिलनाडु में एक पोर्ट सिटी है और जिसे उस समय तूतीकोरिन कहा जाता था, वहां के कॉल्डवेल कॉलेज से ही ग्रेजुएशन की और अपने पिता उलगनाथन पिल्लई की तरह ही ये भी एक लॉयर बने। बचपन से इनमें एक अलग ही देशभक्ति की भावना थी और हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। इसीलिए अक्सर अपने पिता के ना चाहते हुए भी ये जरूरतमंदों के केसेस लेकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। उन्हीं में से एक केस में एक बार इन्होंने 3 सब मजिस्ट्रेट्स पर लगे हुए करप्शन चार्जेस को साबित कर दिया, जिसके बाद ये लोगों में मसीहे की तरह फेमस होते चले गए और बहुत ही जल्द एक ट्रेड यूनियन के लीडर भी बन गए। इन्होंने पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा 1905 में बंगाल पार्टीशन के दौरान लिया, जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उस समय स्वदेशी मूवमेंट अपनी पीक पर थी और ब्रिटिश कोर्ट्स, ब्रिटिश स्कूल्स और लगभग ब्रिटिश की बनाई हुई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लगभग पूरे देश में बॉयकॉट किया जा रहा था। बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय की तरह ही इन्होंने भी लोगों से स्वदेशी यानी कि इंडियन मेड गुड्स को यूज करने की अपील की और ब्रिटिश गुड्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट करने को कहा। यहां तक कि इन्होंने अपने इलाके लोगों को पानी में खड़ा करके काली मां की कस्में भी खिलवाई कि वो जिंदगी में कभी ब्रिटिश गुड्स को यूज नहीं करेंगे। मगर ये सब करने के बावजूद भी ये सैटिस्फाइड नहीं थे और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन दिनों इनके इलाके में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की शिप्स की मोनोपोली हुआ करती थी, जो इंडियन गुड्स को तूतुकुड़ी पोर्ट से सिलोन, जिसे आज श्रीलंका कहा जाता है, वहां ले जाकर बेचती थी और भारी मात्रा में प्रॉफिट अर्न करती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी कंपनी शुरू की जाए जिससे ब्रिटिश की मोनोपोली भी तोड़ी जा सके और वहां के लोकल बिजनेसमैन को भी फायदा हो सके। इसीलिए दिसंबर 1906 को इन्होंने इंडिया की पहली शिपिंग कंपनी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को शुरू किया और एक शिप हायर करके पानी में उतार दी। अब इस शिप के रेट कम होने की वजह से ज्यादा पैसेंजर्स और बिजनेसमैन इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से ब्रिटिश की ईगो और उनका बिजनेस दोनों को ही चोट पहुंची। अब उनकी इन सब हरकतों की वजह से ब्रिटिश कंपनी इतनी बौखला गई थी कि उन्हें तरह तरह से परेशान करने लग गई और पूरी कोशिश करने लगी कि वो अपनी शिप ना खरीद पाए। पर इसके बावजूद भी चिदम्बरम पिल्लई ने हार नहीं मानी और भारत में जगह जगह घूम घूम कर पैसे इकट्ठे किए और लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और औरोबिंदो घोष की मदद से फ्रांस से 2 शिप्स खरीदी, जिनका नाम था SS गैलिया और SS लेवो। ये शिप्स एक बार में 1300 पैसेंजर्स और लगभग 40,000 कार्गो बैग्स को कैरी करने की कैपेसिटी रखती थी और उन्होंने इन पर एक झंडा भी लगाया जिस पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। अब इन सब के चलते वो इतने फेमस होते चले गए कि धीरे धीरे उन्हें लोग स्वदेशी पिल्लई कहकर बुलाने लगे। अब इनकी शिप्स को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने अपने दाम और गिरा दिए, जिसकी वजह से स्वदेशी कंपनी को भी अपने दाम गिराने पड़े। पर ब्रिटिशर्स जितनी कैपिटल ना होने की वजह से कंपनी लॉस में जाने लगी और बहुत ही जल्द बैंकरप्सी की कगार पर आ गई। पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनका गोल सिर्फ इस कंपनी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट को भारत के कोने कोने तक लेकर जाएं और हर इंसान को ब्रिटिश सरकार की हरकतों से अवेयर कराएं। इसीलिए ये यहां भी नहीं रुके और 27 फरवरी 1908 को तूतीकोरिन के कोरन मिल्स में वहां के वर्कर्स की बेहद खराब वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्ट्राइक को लीड किया। इसके बाद 9 मार्च को बिपिन चंद्र पाल, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के ही एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उनके जेल से छूटने पर इन्होंने जश्न मनाने के लिए जगह जगह पर स्पीच दी और स्वराज का झंडा लहराया। अब इन सारी हरकतों की वजह से ब्रिटिशर्स, जो ऑलरेडी इनसे चिढ़ते थे, उन्होंने इन पर सेडिशन यानी कि देशद्रोह का आरोप लगाया और उम्र कैद की सजा सुनाकर इन्हें जेल में डाल दिया। अब जब इन्हें जेल में डाला गया तो भारी मात्रा में लोग इनके सपोर्ट में आए और जगह जगह पर इनकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। यहां तक कि महात्मा गांधी, जो उस समय साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने भी जगह जगह से पैसे इकट्ठे कर इनके लीगल डिफेंस के लिए भेजे। जेल में भी इनके साथ आम कैदियों की तरह नहीं बल्कि जानवरों वाला सलूक किया जाता था, जिसकी वजह से वक्त के साथ इनकी हालत बहुत खराब होती चली गई और मजबूरन 1912 में इनकी खराब हेल्थ की वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज को इन्हें रिलीज करना पड़ा।
जब ये रिहा हुए तब तक ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इनकी कंपनी को अपने कब्जे में कर चुके थे और यहाँ तक कि इनका बैरिस्टर का टाइटल यानी कि इनका लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस को भी छीन लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अपने आखिरी दिनों में इन्हें बेहद गरीबी का सामना करना पड़ा और सर्वाइव करने के लिए अपनी लॉ की किताबें तक बेचनी पड़ी। पर 18 नवंबर 1936 को टूटीकोरिन के इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिस में इनकी मृत्यु हुई। अपने जीवन काल में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के अलावा भी कई इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने में इनका योगदान रहा, जैसे कि स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघा नेसाबू सलाई, नेशनल गोडाउन, और इन सब का मकसद एक ही था, भारत की आजादी। एक बेहतरीन वकील और एक काबिल पॉलिटिशियन होने के साथ ही ये एक लेखक भी थे। जेल में रहते हुए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पर काम किया और 1912 में जब ये रिलीज हुए तब उसे पब्लिश किया। इसी के साथ ही इन्होंने कई नॉवेल्स भी लिखी और न जाने कितनी बुक्स को तमिल में ट्रांसलेट भी किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी वीओ चिदम्बरम पिल्लई की कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली भारत की पहली शिपिंग कंपनी खड़ी करी और न जाने कितने लोगों को अपने साथ भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जुड़ने के लिए मोटिवेट करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।